कोटद्वार के चौबट्टा खाल पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मोट मार्गों का लोकार्पण किया, तो वहीं दूसरी ओर चमनाऊ गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंचम सिंह रावत की मूर्ति का भी अनावरण किया। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय के सभागार के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार पर्यटन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कटिबद्ध है। वर्तमान में चंद सिंह गढ़वाली और दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत लोगों को पर्यटन रोजगार से जोड़ रही है। सतपुली में विशाल झील का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर सतपाल महाराज ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। आज का कार्यक्रम बहुत ही उत्साहवर्धक था और छात्र छात्राओं ने अच्छी प्रस्तुति की है और यहाँ पर हमने कहा है कि इस विद्यालय के अंदर जो अभी लैप्सेस हैं और जो कमी है और अधूरा पड़ा है, इसके पूरे निर्माण के लिए पूरा पैसा सरकार देगी। इसके साथ साथ यहाँ पर 30 लाख जो है वो पोखड़ा के जो है डिग्री कॉलेज को मिलेंगे और इसके साथ साथ बेदी खाल के लिए 2 करोड़ की जो DPR आएगी उसमें सैंक्शन होंगे। 5 लाख यहाँ छात्रों के भवन के लिए मैंने अपने विधायक निधि से दिया है। हाँ, पर्यटन के लिए हमारे पास पंडित दीनदयाल ग्रामीण पर्यटन योजना है और चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना है, जिसमें सारे एम्बिट आ गए हैं। कब लगभग सारे ही इश्यूज जो पर्यटन से जुड़े जो हैं उनके लिए हम पैसा देने को तैयार हैं और हम चाहते हैं कि गाँव के अंदर लोग होम स्टे बनाएं। जब वो आएंगे उनको बना बनाया मकान मिलेगा, उनकी पैतृक धरोहर जो है सुरक्षित रहेगी और आम जनता को उसमें रहने का जो मौका मिलेगा और लोग किराया देंगे तो आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और